हेडलाइंस के प्रायोजक है नमक रेस्टोरेंट, खुल गया नमक लौट आया खाने में स्वाद, पुराना चौक के नजदीक बक्सर, नीट बायोलॉजी इन बक्सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। दशहरा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन को लेकर हलकान रही पुलिस, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम। ब्रह्मपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पूजा कमेटियों के लोग आपस में भिड़े, सड़क जाम कर किया हंगामा। गृह मंत्रालय की बोर्ड लगी गाड़ी से पुलिस ने किया शराब बरामद, 3 लोगों को लिया हिरासत में। बक्सर में मानवता हुई शर्मसार, बाइक चोरी के आरोप में युवक को निर्वस्त्र कर की गई पिटाई। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद एसपी ने कहा होगी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। और दशहरा पूजा के दौरान पंडालों में हजारों लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका, 18 अक्टूबर को चलाया जाएगा टीकाकरण के लिए महाअभियान। क्या आपको भी है घरेलू सामान की दरकार? कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर जिला भोजपुर, बक्सर के नवानगर एसबीआई बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने हमारी कैंटीन में आपका स्वागत है। खबरें विस्तार से के प्रायोजक है आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक, कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया, जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। घरेलू उपयोग का सारा सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, सब कुछ एक जगह है श्रीमान। बगैर ब्याज के फाइनेंस की सुविधा, हमारा पता है गीता मोबाइल एवं होम अप्लायंस, नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने, डुमराव बक्सर। दशहरा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर रही। पहले ही प्रशासन ने इसकी व्यवस्था कर रखी थी, जहां पूजा कमेटियों को मूर्ति विसर्जन करने का निर्देश दिया गया था। नया भोजपुर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। दरअसल यहां पूर्व में घटनाएं हो चुकी हैं, लिहाजा इस बार सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बलों की काफी संख्या में तैनाती की गई थी। खुद मौके पर डुमराव सहायक एसपी राज एवं एसडीओ कुमार पंकज मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों के देखरेख में मूर्ति विसर्जन हुआ। इससे पहले पूजा कमेटी ने विसर्जन के लिए मूर्ति को निकाला, जहां लोगों में खासा उत्साह देखा गया। ब्रह्मपुर बाजार में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पूजा समितियों के लोग आपस में भिड़ गए, इस वजह से एक समिति के लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते ही डुमराव अनुमंडल के एसडीपीओ राज और एसडीओ कुमार पंकज वहां पहुंच गए। अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर विवाद को शांत कराया। जानकारी के मुताबिक मंदिर पूजा समिति के द्वारा डीजे बजाकर मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकाला गया था। दरअसल डीजे बजाने की सूचना पर मौके पर पहुंची ब्रह्मपुर थाने की पुलिस ने कानून का हवाला देते हुए जुलूस को रोका था। इस वजह से पूजा कमेटी के नाराज हो गए थे। हालांकि बाद में नाराज लोगों को समझाने बुझाने के बाद मामला शांत कराकर शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम कराया गया। पुलिस ने शनिवार को कुछ ऐसा कारनामा किया जिससे बड़े अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए। दरअसल गृह मंत्रालय से जुड़ी एक गाड़ी से शराब जब्त की गई। सुनने वालों को यह विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जानकारी मिली कि गाड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो गृह मंत्रालय में काम करता है। हालांकि उसकी गाड़ी से एक बोतल शराब बरामद की गई। नैनीजोर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के बक्सवर कोइलवर तटबंध त्रिमुहानी मोड़ से वाहन को जब्त किया गया। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जवही दियर की तरफ से गृह मंत्रालय का बोर्ड लगा स्कॉर्पियो काफी तेज गति से आ रहा है। जब उसकी रोक कर जांच की गई तो उससे शराब बरामद की गई। जांच में पता चला है कि संजय सिंह ग्राम मंझौली थाना फेफना जिला बलिया निवासी की स्कॉर्पियो है जो गृह मंत्रालय में कार्यरत है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। बक्सर में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल बाइक चोरी के आरोप में युवक को निर्वस्त्र कर पिटाई किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेज गति से वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस द्वारा युवक को हिरासत में लेकर उसे कोर्ट में पेश किया गया है। जानकारी के मुताबिक मटकीपुर पंचायत के पूर्व मुखिया हरेंद्र यादव के दरवाजे पर यह पूरा घटनाचक्र हुआ। परिजनों के मुताबिक मुखिया काफी दबंग प्रवृत्ति का है, जिसने चुनावी रंजिश के तहत युवक को फंसाया गया है और उसके साथ इस तरह का कृत्य किया गया है। घटना के बाद पीड़ित युवक
का परिवार काफी डरा हुआ है। इधर इस घटना के बाद विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बक्सर विधायक संजय तिवारी ने नीतीश सरकार और बीजेपी के शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में जुल्म की इंतहा हो गई है जो काफी शर्मनाक है। इधर मामले में बक्सर SP नीरज कुमार सिंह ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। को पिटने में तो थे ना वो? जी सर, वो लोग तो कंफर्म थे, वही लोग मुखिया जी पिट रहे थे ना। मुखिया जी कौन? मुखिया नाम क्या है? हरेंद्र मुखिया और अजीत मुखिया। पूरा एकदम मार मारे हैं, पूरा एकदम मार मारे हैं। उसका लड़का छोटा जो है ना जीसु, वो तबड़ा कर सर देखिए ये कट गया। मेरा कपड़ा कौन खोला तुमको? लंगा कौन किया? लंगा उसी के आदमी सर, हम सबको चिंते नहीं है सर। मुखिया जी के आदेश पर? जी सर, उसी के आदेश पर। सर जी हम लॉकडाउन में बानी अब उसी के चलते। क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश कुमार चौहान सर। हाय हे सर जी, हमने के धरती पे अधिकिन बनी जाए हे सर जी। हमने के डरे कुछ नहीं किया बोलो सर जी। डरे अब क्या करे जाए, कुछ नहीं किया बोलो। हमार सामान नहीं खन बाहर में गोल बांग का माय अति दिला कर ले। तुम चुनाव प्रचार भी उनके खिलाफ में किया था क्या? हाँ, हमने के चुनाव प्रचार में खिलाफ जी खिलाफ में कोई नहीं थे, लेकिन वो लोग जान गए थे कि ये लोग नहीं देंगे, समर्थन नहीं करेंगे हमको, तो इसीलिए मारे गए। मैं हम सबों की नजरों में, बिहार की जनता की नजरों में बिहार अपराध में एक नंबर है, अव्वल है, एक नंबर दर्जा है बिहार का अपराध में। कहीं निशंस हत्या होती है, कहीं अपहरण होता है, कहीं युवक को नंगे करके पिटाई की जाती है। ऐसी बर्बरता आए दिन बिहार में, बिहार को शर्मसार करने के लिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के ऊपर तमाचा है, ये गुंडा राज है, ये जंगल राज है। आने वाले समय में जनता इसका करारा जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो की जो वायरल हो रहा है उसके अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को हमने भेजा था, उस वीडियो के वायरल जो हुआ था उसकी सत्यता की जाँच करने के लिए। सत्यता की जाँच की गई है, उस पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। दुर्गा पूजा के दौरान कोरोना से लड़ाई को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूजा पंडालों में कोरोना वैक्सीन का कैंप लगाया गया। पूरे जिले में 10 प्रमुख पूजा पंडालों में टीकाकरण के लिए कैंप लगाया गया था। इस दौरान 4 दिनों के अंदर 3000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। विभाग 18 अक्टूबर को कोरोना टीकाकरण के लिए महाअभियान चलाएगा। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक 18 अक्टूबर को पूरे जिले में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। उनके मुताबिक पूरे जिले में करीब 600 टीकाकरण केंद्र बनाए जाने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान सभी प्रखंडों में कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन भी उपलब्ध कराया गया है। नवानगर के स्थानीय बाजार में दशहरा का मेला घूमने आई एक युवती के साथ छेड़खानी करने का मामला प्रकाश में आया है। साथ ही छेड़खानी का विरोध करने पर उसके भाई के साथ मारपीट करने की भी बात कही गई है। इसको लेकर चितवाड़ा बलिया गांव निवासी राहुल सिंह ने 4 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में राहुल ने लिखा है कि स्थानीय थाना क्षेत्र के गाँव निवासी अपनी ममेरी बहन के साथ नवानगर में माँ दुर्गा का दर्शन करने का मेला घूमने आया था। तभी नवानगर गाँव के 4 नामजद लोगों ने मेरी बहन के साथ छेड़खानी की और विरोध करने पर मारपीट भी की गई। इसकी पुष्टि करते हुए स्थानीय पुलिस ने बताया कि युवती के भाई द्वारा 4 लोगों को नामजद करते हुए छेड़खानी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दुल्हापुर पंचायत के दुल्हापुर गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें दुल्हापुर पंचायत की कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। आपको बताते चले कि यह टूर्नामेंट तकरीबन 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें पंचायत की 8 टीमें अपना दमखम दिखाएंगी। टूर्नामेंट का उद्घाटन दुल्हापुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि पंकज सिंह ने फीता काट कर किया। मैच के दौरान ग्रामीण खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते रहे तथा मैच के अंत तक मैदान में डटे रहे।